नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। तो आज का टॉपिक है वर्गमूल निकालना भाग विधि के मेथड से। ठीक है, यानी भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि हमारे कुछ स्टूडेंट को वर्गमूल निकालने में दिक्कत होता है, या हमारे छोटे छोटे जो स्टूडेंट हैं, जैसे 7, 8, 6 के स्टूडेंट हो गए, 10th के स्टूडेंट हो गए, उनको वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक वर्गमूल का वीडियो बनाया जाए जिसमें आप लोग को भाग विधि द्वारा वर्गमूल, दशमलव का वर्गमूल, ठीक है, जैसे √2, √3, √4, ये सब जो भी वर्गमूल है, सभी वर्गमूल को बताने की कोशिश करेंगे। आप लगातार वीडियो में बने रहिए। पार्ट 1 में आप लोग को हम बताएंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकलता है इस वीडियो में ये बताएंगे, और आप लोग कुछ क्वेश्चन भी देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। आप भी बना कर देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मैं 100% कहता हूं कि आप सिर्फ 2 वर्गमूल बताएंगे, उसके बाद उस तरह का जब भी आपको वर्गमूल आए आप 100% उसको बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और पार्ट 2 में हम दशमलव वाला बताएंगे, फिर पार्ट 3 में √2, √3, √7 जैसे होता है ना, वो सब का वर्गमूल निकालना सिखा देंगे। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा हमारा टॉपिक है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, ओके, भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 729, 729, 729 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, भाग विधि द्वारा। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन है 1024। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को साथ में बनाते हुए चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। भाग विधि द्वारा करना है 729 का, कैसे करेंगे देखिए। पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, आपको पहले इसको भी लिख लेते हैं, जैसे हमारा 729 का ऐसे कर लिया ना, इसी तरह 1024 को भी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है यहां पर रिकरिंग लगाना, मतलब आपको वर्गमूल निकालने के लिए 2 चीज ध्यान देना है। ठीक है, देखिए पहला इसमें ध्यान देना है कि हम राइट से यानी दाएं साइड से, हमारा देखो हम ऐसे खड़ा हो गए तो राइट कौन हुआ, ए वाला हुआ, और ये लेफ्ट हुआ, राइट मतलब दाया, तो दाया तरफ से यानी राइट के तरफ से इसको जोड़ा लगाते हैं। देखो हमने क्या किया, इसको जोड़ा लगा दिए। अब ये सिंगल बच गया, ए तो जोड़ा लगा नहीं, तो क्या करेंगे इसको सिंगल ही छोड़ देते हैं। उसी तरह इसमें जोड़ा लगाइए, जुड़ा मतलब 2 गो, ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ा लगा दीजिए, लग गया इसका तो जुड़ा हो गया। ठीक है, अब इसका लगाइए, इसका भी जुड़ा हो गया। अरे जुड़ा का मतलब नहीं जानते हो, नहीं बोलते हैं लोग कि शादी विवाह जब होता है, मान लो आपका शादी होगा, आपकी वाइफ मिलेगी, तो क्या बोलते हैं लोग, जोड़ी अच्छा है, जब साथ में चलोगे रोड पर ना, कि लोग क्या बोलेंगे, जोड़ी तो अच्छा है इन लोगों का, बोलते कि नहीं बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। उसी तरह यहाँ भी जोड़ी मतलब 2 गो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जोड़ी लगा दिया इसका। ठीक है, अभी भाई साहब सिंगल बच रहा है तो उसको सिंगल छोड़ दो, क्योंकि हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिंगल रहते हैं। ठीक है, तो इसको सिंगल छोड़ दिए, जिसको शादी विवाह होना होता है, जोड़ी लगाना रहता है, उसको लग जाता है, जिसको नहीं करना है वो छोड़ अपने नहीं करता है, सिंगल रहता है। उसी तरह यहाँ भी जिसको जोड़ा लगाना है लगेगा, जिनका नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इतना जिनको आ गया समझिए कि आप 50% सीख गए वर्गमूल। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर 7 है, 7 यानी 7 है ना, तो यहाँ पर 7 लाने के लिए यहाँ पर देखो ऐसा काम करेंगे, यहाँ पर 2 अंक रखेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 होगा, यदि यहाँ पर 3 3 रखते 3 3 का 9 हो जाता, तो यहाँ पर 2 ऐसा अंक रख करके गुना करना है जो इस अंक से कम हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन ज्यादा ना हो।
आराम आराम से चलेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल आपको आज समझ में आएगा, भले थोड़ा सा देर लगेगा, 10 मिनट की जगह 12 मिनट लगेगा, लेकिन 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है? हमने यहाँ पर क्या बोला, पहला स्टेप क्या किए, जोड़ा लगाने के लिए सबको सिखा दिए। दूसरा स्टेप इसको देखेंगे, पहला अंक को जो भी दिया रहेगा, यहाँ पर देखते हैं कि जो दिया रहेगा, मान लो यहाँ पर 7 दिया है, तो 7 लाने के लिए यहाँ पर दो ऐसा अंक से गुना करेंगे भाई साहब, इसके बराबर हो जाए या कम हो जाए, ज्यादा ना, ठीक है? चलिए, तो 2 2 नी के 4, ये तो हो जाएगा ना, लेकिन 3 3 रखते तो 9 हो जाता, तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो 2 2 नी के 4 हो गया, ठीक है? अब यहां देखिए, 2 गो में से 1 गो लिख लेते हैं, 2 गो में से 1 गो यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है? समझ में आया? अब चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें भी आ जाओ, इसको साथ साथ करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अब यहां 10 है, तो यहां पर दो ऐसा अंक रखना है कि वो 10 आ जाए, यही ना? यहां पर दो ऐसा अंक रखना है कि 10 आ जाए, तो कौन सा सोचिए? तो 2 2 नी के 4, ये तो बड़ी कम हो रहा है। 3 रखेंगे, 3 3 का 9, हाँ आसपास लग रहा है। 4 रखेंगे, 4 4 का 16, यानी ज्यादा हो जा रहा है मेरे दोस्त। तो यहां पर क्या करेंगे, 3 3 से कर देंगे, 3 3 का 9। देखो बराबर तो नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ, तो कम चलेगा, बेसी यानी ज्यादा नहीं चलेगा। तो 2 गो में से क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं, तो यहां पर भी हमने लिख लिया, ठीक है? अब एक स्टेप तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चलो आगे बढ़ाएंगे इसको काम ना। चलो अब क्या करते हैं अगला स्टेप में, कि इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान देना, ऐड करते हैं। तो 2 2 नी के ऐड करेंगे, 2 2 नी के पढ़ेंगे, 2 2 4, ठीक है? तो इसको भी ऐड करेंगे ना, 3 3 6, ठीक है? अब इसको जो बच गया आपका भाई साहब यहां पर ए वाला, इसको करते हैं माइनस, इसको क्या करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, और 10 में से 1 9 जाएगा 1, ठीक है? अब क्या करेंगे, देखो अब ये जो जोड़ा है ना, जो जोड़ी लगाए थे आप लोगों का, ये जोड़ा, तो जोड़ा क्या करेगा, उतर जाएगा, यहां पर जो जोड़ा है इस जोड़ा को उतार लेंगे, ठीक है? चलो उतारो, 2 9 है ना, तो 2 9 को यहां पर उतार लो, यहां भी 2 4 है, दोनों को उतार लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर ऐसा दो अंक रखना है जिसको इसमें गुना करें तो इसके बराबर आ जाए या कम आ जाए, लेकिन ज्यादा ना आए, ठीक है? तो बताओ कौन सा होगा। मेरे ख्याल से यदि मान लो यहाँ पर 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, तो 5 25 की 5, और 5 5 का 20, और 2 22, ये तो ज़्यादा कम हो जा रहा है। 6 रखेंगे, 6 से भी नहीं, 7 से देखो लग रहा है कि हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम 7 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 4 28, और 4 32, देखो एक्यूरेट आ गया। 7 7 से हमने रखा, ऐसे फिर गुना करेंगे, 7 7 49, और 7 4 28, हाँ सिलावा 4 32, देखो इतना आ गया, यानी सब क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पर 2 गो में से क्या करते हैं, 1 गो लिख लेते हैं, देखो यानी आपका 729 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा, आपका 27 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। उसी तरह इसको भी कर लो, अब यहाँ पर कौन सा अंक रखें कि 124 आ जाए, बताओ। तो चलो रखते हैं हम लोग, रखते हैं 4 4 रखें, चलो 4 रख दिए, 4 रखेंगे तो नहीं होगा भाई साहब, 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 2, अरे यार 2 2 रखो, 2, हम तो ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 2 नी के 4, और 6 2 नी का 12, देखो ये एक्यूरेट आ गया। इन दोनों में से कोई, 2 2 है ना, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, तो 2 है तो 1 2 लिख लेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 32 आ गया, इसका रिजल्ट 27 आ गया। 729 का वर्गमूल भाग विधि से हो गया, 1024 का वर्गमूल भाग विधि से ए हो गया, तो इस तरह से वर्गमूल निकलता है, ठीक है? ये तो थोड़ा शॉर्ट था, छोटा था, लेकिन इससे भी एक बड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे थोड़ा सा अंकवा जो है ना, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं।
ठीक है, चलो बढ़ाते हैं इसको, समझ गए। ये थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग के लिए एक बताने की कोशिश करेंगे। देखो आप अंत तक वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा 100% वर्गमूला से बनाना, ठीक ना। ये तो पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ पर हम दशमलव वाला बताएंगे, ठीक है। दशमलव वाला बताए हैं, जाकर आप वहाँ से भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा सा, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा ना, तो थोड़ा सा थर्ड नंबर हम ले लेते हैं। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा ले लेना ना, थोड़ा सा बड़ा मतलब छोटा सा था, अब हम बड़ा लेते हैं। तो क्या ले लें, 50 625, 50 625, ठीक है, 50 625 हमने ले लिया। इसका वर्गमूल निकालना है, किससे, भाग विधि द्वारा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए। हाँ एक बात और, जैसे इसको बताएंगे ना, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताएंगे, आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गमूल के लिए, बहुत सारे कम स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं, 50 625 का यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, 50 625 कैसे होगा। सबसे पहले क्या बोले हैं, जोड़ा लगाने के लिए, तो लगाइए जोड़ा, दुगो जोड़ा हो गया, दुगो जोड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बच गया 5, तो यहाँ पर 5 या 5 से कम लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक रखते हैं, कौन कौन सोचो, 5 लाना है तो 2 2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को में से 1 को लिख लेते हैं आंसर में, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 2 = 4, अब 5 में से 4 जाएगा, माइनस करेंगे तो 1, और ऊपर से 2 को अंक उतार देंगे, 0 6। अब यहाँ पर 106 लाना है, तो यहाँ पर ऐसा कौन अंक 2 रखें जिसको गुना करें 106 आ जाए, बताइए। तो 1 रखेंगे तो ज्यादा कम हो जाएगा जी, 2 रखेंगे हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 रख कर देखते हैं, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, हाँ ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 2 2 = 4, 4 के 4, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 2, और ऊपर से 2 अंक को क्या करेंगे, उतार देंगे, उतारो उतर जल्दी ना, उतार दिए, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, अब लाना है 22 25, तो 44 की जगह यहां पर 2 ऐसा अंक रखें और उसको मल्टीपल करें तो इतना आ जाए, तो मेरे ख्याल से 2 रखेंगे तो 800 होगा, 3 रखेंगे तो 1200 होगा, 4 रखेंगे तो 1600, 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 × 20 हो जाएगा, 5 रख करके चेक करते हैं, 5 25, 5 × 20 = 22, 5 × 20 = 22, देखो एक्यूरेट आ गया यार, कितना हम लोग लकी हैं, एक्यूरेट आ गया। यानी ये 2 में से 2 लिख लिए थे, ये देखो ये छोड़ दे हैं, अभी 2 में से 2 लिख लेंगे, आ इन 2 में से 2 लिख लेंगे, ठीक है, यानी 225 हमारा इसका वर्गमूल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बनाने आ गया होगा, ऐसा तो नहीं है कब नहीं बनाने आएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, यदि समझ में आया होगा तभी लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक मारिए ना, मार दीजिएगा डिसलाइक, नहीं समझ में आया होगा तब, ठीक है। और कमेंट में जितना कुछ लिखना होगा लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तब, आ समझ में आया होगा ना मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक एंड एक कमेंट अपना प्यारा सा जरूर दीजिएगा, ठीक है, जो कि हम पढ़ते हैं, ओके। हाँ एक बात बोले थे, नोट, नोट क्या है इसका, वर्गमूल का नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको देखना चाहिए, ठीक है। नोट क्या है, देखिए जिस संख्या के इकाई स्थान पर जब भी आप वर्गमूल बना रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर है 50 6 2 5, 4 2 7 8 5, 8 2 7, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 6 4, ऐसा है।
तो जिस संख्या के वर्गमूल, जब आप वर्गमूल निकाल रहे होंगे और उसके इकाई स्थान, इकाई ही होता है ना, ये इकाई है, ये इकाई है, ये इकाई है, ये इकाई है, उसके इकाई स्थान पर यदि 2, 3, 7, 8, जब इकाई के स्थान पर देखो 2 रहे, 3 रहे, और 7 रहे, और 8 रहे, ये जब रहेगा कौन कौन, 2, 3, 7, 8, तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्गमूल निकालिएगा, जब उसके इकाई स्थान पर, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये तो 4 है तो हो जाएगा, यहाँ देखो 7 है, जब इस तरह का रहे 2, 3, 7, 8, तो समझिए मेरे दोस्त, उसका वर्गमूल नहीं होगा। वर्गमूल होगा, वो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा। जैसे इसका 26, 50, 625 का पूरा वर्गमूल देखो 225 आ गया। और यदि इसके स्थान पर जो इकाई है, यहाँ पर यदि 7 लग जाता, या आपको 3 लग जाता, चाहे 2 लग जाता, चाहे 8 लग जाता, चारों में से कोई एक लग जाता, तो उसका पूरा पूरा एक्यूरेट वर्गमूल नहीं होता, वो क्या होता, पॉइंट में उसका वर्गमूल होता। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई से पूछ सकते हैं, अपने क्लासमेट से, या क्लास से बाहर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लासमेट में क्यों पूछेंगे। तो क्या है, ध्यान दिए ना, कि 2, 3, 7, 8 रहे तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, वो क्या होता है, पॉइंट में होता है, ठीक है। तो हो गया आज की क्लास इतना ही, पार्ट 1 था, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में आप सभी को स्वागत करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उसको देखिए। हम उस वीडियो में आप लोग को बताए हैं पॉइंट वाला, जैसे मान लो कि 1.567 इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, 73.625 इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, इस तरह का वर्गमूल भी निकालना बहुत जरूरी है मान लो हम लोग को। तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते।